प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में किए गए वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित होकर लोग स्वदेश में बने उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। जींद जिले के दुकानदारों ने कहा कि होली का त्यौहार आने वाला है और प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस बार बाजारों में स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों में स्वदेशी उत्पादों के प्रति काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं इसके बारे में। अपने देश का सामान खरीदेंगे, अपने देश वालों को रोजगार मिलेगा, अपने देश वालों को प्रोत्साहन मिलेगा, हैं? अपने देश वालों की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मनोहर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है, ये देश हित में बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम अपने देश का माल खरीदते हैं, उसका पैसा, उसका प्रॉफिट और उसका रोजगार सभी हमारे सभी भाइयों में समान रूप से कहीं ना कहीं रूप से बटता है, उसका लाभ देश को मिलता है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि वे इस होली पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर स्वदेशी वस्तुएं ही खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी वोकल फॉर लोकल को अपनाते हुए स्वदेशी सामान ही खरीदें, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। हमें होली पे अपने भारत का ही सामान यूज़ करना चाहिए, जैसे कि हमारे भारत के रंग, हमारी भारतीय पिचकारी है, हमें चीनी सामान नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। लोकल फॉर वोकल ये काम जो है बहुत अच्छा है, मतलब इंडिया का सामान इंडिया में ही रहे और इंडिया में ही यूज होए, अपना जो देश का वो है, अपना देश का पैसा है, वो देश में ही हो जाए। मैं कहूँगा कि होली के बारे में स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, स्वदेशी चीज़ों में हमारे जो पैसे है, हमारे ग्रोथ इंडिया की बढ़ेगी और हमारा जो पैसा बाहर जाता है उससे हम नीचे जाते हैं, और स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी में सबसे बढ़िया चीज़ है।